दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब के साथ प्रतिदिन हर रोज देश की बात करते हैं, वो आज भी करेंगे। वैसे संजय भाई नियमित रूप से किया करते हैं, आज ये जिम्मा जो है ये मुझे सौंपा गया, तो मैं सीधा जो है समय बर्बाद न करते हुए उनको हमारे साथ जोड़ लेता हूँ और प्रोफेसर साहब का स्वागत कर लेता हूँ। और बस ये कहने से अपने आप को रोक नहीं पाता कि उनसे साक्षात्कार हुआ। हम लोग 18 तारीख को थे, 18 अगस्त को, तो मिलकर बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये कहना मुझे था तो मैंने कह दिया। अब सर आज सीधा मुद्दे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई थी। डिजिटल मुलाकात तो पहले कई बार हो चुकी थी। जी। अच्छा दो तीन मुद्दे हैं आज के, मुझे लगता है देश की बात उस पर आज करनी चाहिए अगर आप अनुमति दे तो। एक तो बड़ी घटना ये हुई है कि विनेश फोगाट और जो बजरंग पुनिया है वो विधिवत रूप से कांग्रेस में जुड़े। उनकी प्रेस वार्ता भी हुई और उसमें विनेश फोगाट ने बड़ी सूचक बातें कही। वो वैसे है पहलवान खिलाड़ी, तो वो इतना फिल्टर लोग नहीं होते हैं, तो कुछ उन्होंने कह दिया है। पहले उस पर मुझे लगता है कि हम लोग बात करें अगर कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पे वो सैनी साहब किसी को मनाने के लिए गए तो उसने उसके घर जाकर भी उनके घर गए लेकिन हाथ मिलाया नहीं, वो दृश्य भी दिख रहे हैं। बीजेपी में तो मतलब ये हो रहा है कि कहां से जो है सिलाई करें और कहां टूटेगा तो और कहां दौड़ेंगे, मतलब जितना सिलाई कर रहे हैं उससे ज्यादा कपड़ा जो है फट रहा है पूरा, तो वहां बहुत हालत खराब है। अब कांग्रेस जो है, हालांकि विनेश और बजरंग पुनिया तो मिल गए, ठीक है, जुड़ गए, पर वहां तक वो सूची अपनी जो है वो जारी तो कर नहीं पा रही है, तो इसको कैसे देखते हैं पूरी स्थिति को, अगर पहले उस पे बात शुरू करें सर। देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में चले गए तो उससे कांग्रेस को और चुनाव जीतने में मदद मिलेगी, तो जो जिसको राजनीति नहीं आती है वो भी इस बात को कह देगा। ये बात कह के मैं कोई खास तीर नहीं मारूंगा। मेरा मानना यह है कि ये दोनों अगर नहीं भी कांग्रेस में जाते तब भी हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतने की मुद्रा में है जी। और हरियाणा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी स्थिति बन सकती है, अगर कोई गजब हो जाए, कोई प्रलय हो जाए, तो राजनीतिक प्रलय हो जाए तो बात दूसरी है। हरियाणा में कांग्रेस को चुनाव जीतना ही जीतना है। इस बात पर चर्चा हो सकती है वो कितना जीतेगी। जो मेरे राजनीतिक समीक्षक मित्र हैं और ऐसे भी मित्र हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमदर्दी रखते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भाजपा ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में 15 सीटें जीत पाएगी। अगर ये बात सही निकलती है, हरियाणा में भाजपा 15 या उसकी 20 जीत लेगी, मतलब 15 के आसपास सीटें जीतेगी, 11-12 भी रह सकती है, 14 भी रह सकती है, 15 के आसपास सीटें जीतेगी। अगर वास्तव में यही चुनाव परिणाम होता है तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उसके भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेताओं को जरा अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि 2014 से जिस पार्टी ने सिर चकरा देने वाली सफलता हरियाणा में प्राप्त की थी उसका ग्राफ लगातार गिरता क्यों जा रहा है, क्यों गिरता जा रहा है उसका ग्राफ। भाई 2014 में हरियाणा में भाजपा ने असाधारण जीत हासिल की थी जी। कांग्रेस और उसके बीच में 30% वोटों का फर्क था जी। उसके बाद में 2019 में जब लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतरीन जीते, लेकिन उसके तुरंत बाद जब हरियाणा में चुनाव हुए तो भाजपा बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर उसको गठजोड़ सरकार बनानी पड़ी। वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे अपनी पराजय की ओर खिसकते खिसकते इस जगह आ गई है कि आज उसके हमदर्दी रखने वाले भी कह रहे हैं कि भाई 15 से ज्यादा सीटें जीतने की हैसियत नहीं। ये महत्वपूर्ण बहुत बड़ा सवाल है, ना तो विनेश फोगाट का सवाल है और बजरंग पुनिया का सवाल है। मैं ये मानता हूं कि जो घटनाक्रम चला है, जो जंतर मंतर पे धरने से लेकर और पेरिस ओलंपिक तक का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम ने विनेश फोगाट को एक स्पेशल सेलिब्रिटी स्टेटस दे दिया है, जो उसके कांग्रेसी होने से ज्यादा कहीं है, जो उसके जाट होने से कहीं ज्यादा है, जो उसके पदक विजेता पहलवान होने से कहीं ज्यादा है, तो वो एक बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस है। और कांग्रेस में अगर वो गई है तो कांग्रेस हरियाणा के चुनाव में भी उनका इस्तेमाल करेगी और पूरे देश में भी उनको एक स्टार प्रचारक के तौर पर अगर वो चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है। विनेश फोगाट हर जगह उनके लिए लाभप्रद साबित होंगी कि जिस तरह का स्वागत हुआ था विनेश फोगाट का, वैसा स्वागत मैंने तो कहीं नहीं देखा। एक किसान ने उनको 2 एकड़ जमीन दी अपनी, आप सोचिए, एक किसान अपने पैसे से गोल्ड मेडल बना के लाया था, उसने गोल्ड मेडल पहनाया विनेश फोगाट को।
मतलब ये आमतौर पर इस तरह का नहीं होता है, स्वागत तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन ये कुछ और ही, किसी और ही स्तर की बातचीत बात है। बहरहाल मतलब नहीं समझता विदेश होगा शायद चुनाव प्रचार का काम करेंगी, ये आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पूरे देश को शायद वो ऐसा लगा कि वो जो 100 ग्राम वजन बढ़ा उनका और वो खेल नहीं पाई, तो अगर मतलब विनेश नहीं देश नहीं खेल पाया, ऐसा लगा क्या लोगों को उस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरे देश की आकांक्षा इच्छा कामना सम्मान प्रतिष्ठा विनेश फोगट के साथ एकाकार हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये कहना ही चाहता था कि बेहतर ये होता कि कांग्रेस रणनीति कुछ और बनाती, कांग्रेस विनेश फोगट से चुनाव प्रचार करवाती, पहले हरियाणा में और फिर हरियाणा के बाहर उसके, और बजरंग पुनिया या किसी और से चुनाव लड़वाती। फिर कांग्रेस ने कहा बजरंग पुनिया से प्रचार करवाएंगे विनेश फोगट से, खैर उनकी रणनीति है, वो लोग हमने नहीं सिखा सकते चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, वही अच्छा वो जानते हैं बेहतर चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। बहरहाल अब हरियाणा पर आइए कि भाई वहां पर ग्राफ नीचे गिर के यहां कैसे पहुंच गया, एक पार्टी कैसे उस पर जीत से हार की तरफ रवाना होती है, और सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में अगर एक बार भाजपा 15 सीटों पे आ गई तो उसको वापसी में बहुत साल लगेंगे क्योंकि अच्छा अब इसमें दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा भाजपा के साथ क्यों हुआ। पहली बात तो ये है कि भाजपा का ही किया धरा है, ये भाजपा के विरोधियों की कोई विरोधियों का किया हुआ नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो मुख्यमंत्री चुना गया मनोहर लाल खट्टर, पहली बार भी जब बहुमत मिला तब भी वही, और जब बहुमत नहीं मिला तब भी वही, उसको मुख्यमंत्री 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा मनोहर लाल खट्टर, 6 महीने पहले ही अभी बदला गया उनको। एक तो भाजपा की इस दुर्गति में वो चुनाव, उस चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो चुनाव केवल एक ही व्यक्ति ने किया था, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मनोहर लाल खट्टर को कोई नहीं जानता था, अमित शाह भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था मनोहर लाल खट्टर नाम का बंदा कौन है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के भाजपा की तरफ से प्रचार उचार कर, जब आरएसएस संघ भाजपा, तो वो उनके स्कूटर पर बैठ के घूमा करते थे, इसलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। मनोहर लाल खट्टर एक घटिया किस्म के प्रशासक थे, उनको सरकार कैसे चलानी चाहिए नहीं आता था उनको। उनके शासनकाल में हरियाणा में मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, कुशासन जिसको आप कहते हैं, उसकी सारी सीमाएं पार हो गई, और धीरे धीरे पहले 5 साल में इतनी एंटी इनकमेंसी जमा हो गई कि राष्ट्रवाद की लहर होने के बावजूद भाजपा ने बहुमत खो दिया, लेकिन फिर जीत करके उन्हीं को बना दिया। मतलब मोदी जी अपने चमचों को, अपने दोस्तों को कहते हैं मोदी जी का निजी परिवार नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, लेकिन दोस्त यारवाद, यारवाद दोस्तवाद तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। जो मेरा दोस्त है उसको हम मुल्क की खोप, किसी प्रदेश की खोपड़ी में बैठा देंगे। तो उन्होंने, मोदी जी ने अपने हाथ से हरियाणा की, हरियाणा में भाजपा के की राजनीति की दुर्गति की है, मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं उस दुर्गति के। दुर्गति का दूसरा कारण यह है भाजपा की वो रणनीति जो एक चुनाव में तो काम, एक दो चुनाव में तो काम कर सकती, हर बार नहीं काम कर सकती। भाजपा की आदत है कि वो हिंदू समाज को बांट के चुनाव जीतती है, बात करती है हिंदू एकता की, चुनाव जीतती है हिंदू समाज को, हिंदू समाज को बांट के। हरियाणा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जाट और गैर जाट में पूरे हरियाणी समाज को बांट दिया, और ये नारा खुफिया तौर पे दिया जाता है जी। ये एक अंडरग्राउंड नारा होता है, मन से नहीं दिया जाता। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 3 जात के खिलाफ सब जात, इसमें मुसलमान, यादव और जाटव को का बहिर्वेशन किया गया, उनको एक्सक्लूड किया गया। अगर मुसलमानों को आप हटा लें तो जाटव और यादव तो हिंदू समाज के हिस्से, तो समाज को बांटती है ताकि उसको किसी तरीके से सत्ता प्राप्त हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। अच्छा ये हथकंडा चलता है, परिस्थितियों वश कभी कभी चल जाता है, लेकिन फिर जब वो नहीं चलता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है। अब इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में नहीं चला, देखिए कहां खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, आपस में जूतन तैयार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हार का ठीकरा कहां फोड़े। इसी तरह हरियाणा में भी वही हरियाणा, ये दो प्रमुख कारण है, एक तो जो मुख्यमंत्री चुना वो बेकायदे का था, बिल्कुल बेकार मुख्यमंत्री था, घटिया मुख्यमंत्री था, किसी काम का मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी जिद में उसे हरियाणा के ऊपर थोपे रखा। 9.5 साल तक जिसको मुख्यमंत्री बनाए रखा, आज वो हरियाणा का नेता नहीं है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो और दूसरी तरफ हरियाणा के समाज को बांटा, आज हरियाणा के समाज उस तरीके से बटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने जो 5 सीटें हरियाणा में जीती है
उसने क्या सभी जाट और जाट वोटों से जीती है? बहुत सही बात है, बहुत सही बात सर। अच्छा, और जो भाजपा के जो उम्मीदवार हार गए हैं, क्या वो क्या उन्हें जाट वोट नहीं मिले? रणजीत चौटाला जो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, उनको 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। बिल्कुल, क्या आप कह सकते हैं उनको जाट वोट नहीं मिले होंगे? उस जाट समाज के ही, जाट समाज की प्रमुख हस्ती है। इसलिए जाट और गैर जाट में जिस तरह हरियाणा को उन्होंने बांटा भाजपा को, ये जो पाप किया है उन्होंने, इस पाप का फल अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो पाप किया था, उसका फल उन्होंने लोकसभा चुनाव में भुगता है, अब वो विधानसभा चुनाव में भी भुगतेंगे। अच्छा, अग्निवीर को लेकर जो फंसा पूरा पेश, क्या वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा हरियाणा? केवल अग्निवीर नहीं, अभी हमारे पुराने मित्र हैं पत्रकार बलवंत तक्षक जी, जनसत्ता में जब मैं था तो हरियाणा से रिपोर्टिंग करके भेजते थे, इतने पुराने जानकारी है, जान पहचान है मेरी उनकी। अभी जब मैं उनको एक बार टीवी सुन रहा था, मेरे साथी कार्यक्रम में थे वो, तो बलवंत तक्षक का कहना था कि जवान, पहलवान और किसान, ये तीन शब्द ही भाजपा की हरियाणा में दुर्गत करने के लिए पर्याप्त हैं। पहलवानों वाली बेल्ट है, इसमें 18 सीटें आती हैं विधानसभा की, जो पहलवान बेल्ट कहलाती है जी। उसके बाद में हरियाणा में सारे हिंदुस्तान की आबादी का हरियाणा केवल 2% है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज में हर 10वां जवान हरियाणवी है। बड़े पैमाने पर वीर चक्र, महावीर चक्र हरियाणा ने जीते, एक परमवीर चक्र भी जीता है। तो वहां अग्निवीर का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर। इसी तरह किसान आंदोलन का 2 केंद्र थे, एक पंजाब और 3 केंद्र थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो हरियाणा को उसका असर पड़ना लाजमी है। तो जवान, किसान और पहलवान, ये तीन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा इस बार राजनीतिक धोबी पाट देंगे कि वो चारों खाने चित नजर आएगी। पर वो जो दृश्य देख रहा था, जैसे आप उस पे मुस्कुरा दिए कि वो सैनी साहब गए किसी को मनाने के लिए और वो उनके घर पे, मैं देख रहा था, मैं इंटेंसिटी देख रहा था नाराजगी की, कि उस नेता के घर पे जाए, खुद मुख्यमंत्री गए हैं मनाने के लिए, वो बैठे हैं, लेकिन जब वो रूबरू आमने सामने होते हैं तो वो जिसको मनाने के लिए गए, तो नाम भूल गया है अभी, वो ना तो सैनी साहब के प्रति देखते भी नहीं है, वो हाथ भी नहीं मिलाते। तो ये तो कुछ ज्यादा वाला मामला नहीं है, मतलब ये देखिए क्या ये लोग, देखिए मोदी और शाह जिस तरह पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का संगठन चला रहे हैं, जिस तरह लोगों को टिकट बांट रहे हैं, उसमें दल बदलुओं की भूमिका बहुत जबरदस्त है। हरियाणा की जो अभी लिस्ट जारी की गई, उसमें 9 से ज्यादा दल बदलुओं को टिकट दे दिए, जो अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, उसमें कुछ जेजेपी से आए थे, कुछ कांग्रेस से आए थे, उनको टिकट दे दिए। और जब उनके टिकट दे दिए, किसी न किसी के टिकट आपको काटने पड़ेंगे। तो जो लंबे अरसे से, अब जैसे कि कविता जैन है, अब कविता जैन तो उस वक्त भी चुनाव जीता था उन्होंने, जब हरियाणा के भाजपा के दो तीन लोग ही जीतते थे, तो फूट फूट कर रो रही थी, बहुत से लोग रो रहे हैं, अखबार में तस्वीरें छपी हैं लाइन से लोग रो रहे हैं। तो भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को रुला दिया। वही हाल जम्मू कश्मीर में भी हुआ, जम्मू में तो हमने सब दृश्य देखे, जम्मू कश्मीर में तो जो तूफान मचा हुआ है भाजपा में, घाटी से लेके और जम्मू तक, वो तो ऐतिहासिक है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं इस तरह का कहीं। अब एक और मुद्दा है सर, जिस पर मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है, सेबी की जो अध्यक्षा है माधवी पुरोहित, अब उसके खिलाफ तो एक और भी जो है बातें आई कि भाई वो तो मतलब उस पर खुलासे हो रहे। कांग्रेस ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां तक मेरी जानकारी ठीक से है इधर, और उसके जो कर्मचारी भी हैं सेबी के, वो भी छोटे छोटे कर्मचारी, वो भी बाहर निकल के अब जो है इस माधवीपुरी भूज का विरोध करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो अपने सिंगापुर के प्रधानमंत्री या जो मुखिया है उनके साथ गले मिलके या तो गले पड़ के वापस अभी जाएंगे। ये सब जो हो रहा है, और विशेष रूप से सेबी बहुत गंभीर मामला है। सेबी मतलब ठीक है, हम लोग थोड़ा व्यंग कर लेते हैं, लेकिन सेबी तो मतलब हर देश का जो एक स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन होता है, उसमें से हमारा वो है सेबी है। ये बहुत बड़ी गंभीर एक जिम्मेदारी वाली जगह होती है। अब यहाँ पे आरोप के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगना, भाई अभी जी वो कितना मतलब कितना जिसे कहते हैं नादुरुस्त है, कितना वो सड़ा हुआ मामला हो सकता है, मतलब समझने के लिए
लोगों को। मुझे तो पूरे इस मसले से भ्रष्टाचार की जबरदस्त बदबू आ रही है, मेरी अभी बदबू सूंघने की क्षमता समाप्त नहीं हुई है, मैं तुरंत भाप जाता हूं कहां भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। हिंडनबर्ग ने जब आरोप लगाए थे माधवीपुरी बुच के ऊपर कि इनके इनकी अडानी से साठगांठ थी, तो भाजपा ये कह के निकल गई कि भाई ये तो विदेशी एजेंसी है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहती है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज को बदनाम करना चाहती है, स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटर है उसको बदनाम करना चाहती है, ये सब ये बातें भाजपा ने कही। लेकिन अभी एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम सुभाष चंद्रा है और जो जी टीवी के चेयरमैन है, जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद हमदर्द हैं, बहुत नजदीक हैं, उनका पूरा चैनल भाजपा की पैरोकारी करता है और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं जो भाजपा की तरफ से, उन सुभाष चंद्र ने आरोप लगाया है कि जब उनकी सेवी की जांच चल रही थी तो एक तीसरे पक्ष की तरफ से उनसे संपर्क किया गया, जो कि माधवीपुरी बुच की तरफ से वो पक्ष वो व्यक्ति आया था, और उसने कहा कि उसके प्रस्ताव रखा कि आपका अगर इतना भुगतान आप कर दें तो आपको आपको आपके इस जांच को निपटा दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से ये सेबी की अध्यक्ष हुई है इनकी संपत्ति 50 गुना बढ़ गई है, ये आरोप लगाया है उन्होंने, बहुत बड़ा आरोप है सर। और उन्होंने कहा है कि तमाम इन्होंने जो जांचें की हैं उन जांचों में उन्होंने जो फैसले दिए उन सब फैसलों की जांच होनी चाहिए कि किस बड़े पैमाने पर इन चीजों में रिश्वत ली जा रही है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। ये भास्कर के पहले पन्ने पर खबर छपी है। अब आप बताइए, वो तो विदेशी एजेंट नहीं है सुभाष चंद्र, उन्होंने खुल के स्पष्ट रूप से सीधे आरोप लगाए हैं। अब भी अगर मुझे भ्रष्टाचार की बदबू ना आए तो कब आएगी? प्रधानमंत्री इसलिए शायद दूर चले गए हैं, उन्होंने कहा कि ब्रुनेई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वहां जो है थोड़ी ताजगी और जो स्वस्थ हवा जो है उसका आनंद लेते हैं, यहाँ बदबू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। और एक नया खुलासा भी बताया जा रहा है कि ये जो दोवल साहब के बेटे हैं उनकी कंपनी में भी ये जुड़ी हुई है माधवीपुरी बुच। देखिए, ये जो राजनीति के अंदर जो खुफिया नेटवर्किंग होती है, ये जब खुफिया नेटवर्किंग इसके इसके ऊपर से पड़ा पर्दा हटता है तो वास्तव में बड़ी बदबू आती है, और उसमें एक और बदबू शामिल होती है, कहते हैं निर्लज्जता की बदबू। आप कुछ भी कहते रहिए, कोई भी भंडाफोड़ करते रहिए, राजनीतिक जो वो होता है बंदोबस्त, राजनीतिक जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई वो जरा भी उसके माथे पर शिकन नहीं आती, वो उसी तरीके से चलने देता है पूरे मामले को। और उल्टे सी अब कोई सुभाष चंद्र ने जो आरोप लगाया था कोई नहीं बोल रहा है उसके ऊपर। ये पूरा माधवीपुरी बुच का कुछ सवाल जो है ना, ये जल्दी ही अगर इन लोगों ने नहीं निपटाया तो इसका दूरगामी दृष्टि से भाजपा को, गौतम अडानी को, खुद सेवी को, भारत के स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिष्ठा को, सबको बहुत नुकसान होगा। बहुत सही बात। और ये नुकसान अब धीरे धीरे करके ये चीजें देखिए, ये जटिल मसले पेचीदा होते हैं कि अडानी ने अगर स्टॉक मैनिपुलेशन किया तो कैसे किया, आम आदमी की मेरी समझ में नहीं आता, तो आम आदमी समझ में क्या आएगा। बिल्कुल। हाँ, इसमें एक आर्थिक मसलों के विशेषज्ञ ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि जब स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ तो स्टॉक मैनिपुलेशन तो शेयरों का जो फर्जी तरीके से उनके दाम बढ़ाए गए तो वो तो बहुत बड़े पैमाने पर, उसके लिए पैसा चाहिए ना। बिल्कुल भाई, आप जब शेयर इतना खरीदेंगे नहीं बाजार में शेयरों की किल्लत नहीं होगी, दाम कैसे बढ़ेंगे उसके, तो वो पैसा कहां से आया? इसका मतलब है वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया। तो स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों आपस में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये पीएमएलए कानून का भी मामला बनता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये इसलिए इसमें जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसकी भी भूमिका बनती है, उसको भी इसमें, इसीलिए कांग्रेस ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के देश भर के जो दफ्तर थे उनके सामने धरना दिया था। पर ये जैसे आप कह रहे थे ना, मैं उसी के साथ एक चीज जोड़ देता हूं कि आप सोचिए सर कि एक आदमी जो कि आनंदीबेन पटेल के बेटे की गैंग का सभ्य है, इसका नाम किरण पटेल, वो किरण पटेल 5 से 6 महीना कश्मीर में और श्रीनगर में और पाकिस्तान से जुड़ी हर एक बॉर्डर में जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूमता है, पता नहीं क्या क्या डील करता है, अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी
प्रधानमंत्री कार्यालय बताता है, कार्ड छपवाता है, अब इतना भारी गुनाह करने के बाद भी उस पर कोई वो ना यूएपीए लगता है ना कुछ लगता है, उसको जो है सिंपल सा एक चार्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले और कोई मुंह ना खोले, बस उतना ही देखा जाता है इसको। तो क्या कहेंगे, सब कुछ तो आपने कह दिया इसमें सब कुछ आपने कह दिया, अब मेरे लिए कुछ कहने को रहा ही नहीं। अब इस मसले से थोड़ा बहुत मैं वाकिफ हूँ, लेकिन ये जानकारी जो आपने दी है उतनी जानकारी मुझे भी है। देखिए ये जिस तरह सरकारें चलती हैं और जो पूरा उसकी मैं बता रहा हूँ, ये जो नेटवर्किंग है, खुफिया नेटवर्किंग है, उसके ऊपर से धीरे धीरे करके पर्दे हट रहे हैं। पिछले 10 साल में बार बार कहता हूँ कि ये जो उनकी बहुमत गिरा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत गिरा है उसके हाथ से, इसकी इबारत पिछले 10 साल में जिस तरह सरकार चलाई गई उसके चेहरे पे लिखी हुई है। ये केवल कुछ टिकट गलत तरीके से दे देने में या कहीं कुछ गुटबाजी हो गई है, चुनाव प्रबंधन गलत हो गया, उसका नतीजा नहीं है ये। तो इतने बड़े देश में चुनाव होता है उसमें कुछ ना कुछ पार्टियां गलत टिकट बांटी देती हैं, कुछ ना कुछ कई जगह प्रबंधन में दिक्कत होती ही होती है, वो सब इश्यू नहीं है, वो सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा असली ये है कि भाजपा ने पिछले 10 साल में जिस तरह सरकार चलाई उसमें जो उसके कुकर्म है वो संचित हो गए हैं, और उन संचित कुकर्मों का पहला नुकसान हुआ है ये। इसीलिए मैं कहता हूं कि मतदाताओं ने अभी आधा काम किया है, आधा काम मतदाताओं को करना बाकी है जो अगले लोकसभा चुनाव में करेंगे। बहुत सही बात, बहुत सही बात। एक और मुद्दे पे बात करनी थी मुझे लगता है, पर आज समय हमारा समाप्त हो रहा है, वरना राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को अब डीप स्टेट के साथ कोई षड्यंत्र के नाम पे उसको जोड़ा जा रहा है, ऐसे भी सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। देखिए ये सब बातें उस वक्त प्रभावी होती हैं जबकि माहौल आपके पक्ष में हो। जब माहौल आपके पक्ष में होता है तो सोशल मीडिया से जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, कानाफूसी के जरिए जो बातें की जाती हैं, वो बातें प्रभावी हो जाती हैं, उनका कुछ असर पड़ता है। लेकिन जब माहौल आपके पक्ष में ना हो तो लोग ये बातें लोगों पर असर नहीं करती। अब भाजपा सारे देश में मुसलमान विरोधी घृणा फैला रही है, बड़े पैमाने पर घृणा फैला रही है, लेकिन कोई उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि माहौल उनके पक्ष में नहीं रहा, वक्त बदल गया है। 2024 के लोकसभा चुनावों ने समय बदल दिया है और इसमें भाजपा का ग्राफ गिर रहा है। एक ही व्यक्ति है जिसका ग्राफ गिर रहा है, इसका नाम है नरेंद्र मोदी, और एक ही व्यक्ति है इसका ग्राफ उठ रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। आप इस प्रकार की अफवाहबाजी करके राहुल गांधी के उठते हुए ग्राफ को नहीं गिरा सकते। और भारत छोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी ने एक भी गलत कदम नहीं उठाया है, हर कदम का उनको फायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पर एक जाते जाते एक समाचार आपको, खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो दर्शकों तक भी चाहता हूं। हमारे गुजरात में एक नए देवता का प्रादुर्भाव हो चुका है, नया एक नए देवता है, उसका नाम है गड्ढा देवता। इसकी आज पूजा अर्चना विधिवत रूप से जो है रोड और रास्ते पे पड़े गड्ढों की पूजा अर्चना की गई आज, गड्ढा देवता। गड्ढा देवता, और ये कहा गया प्रार्थना के तौर पर कि कॉरपोरेशन और सरकार तो नहीं समझ पा रही है हमारी सुरक्षा को लेकर, हे गड्ढा देवता आप जो है हमारी तो आप सुरक्षा रख करें हमारी, ये कहा गया है। क्या करें अभी, अब ये सब हो रहा है सर, क्या करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका, आपने बात की हमारी दर्शकों से और बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये देश की बात थी, हमने प्रोफेसर रवि कुमार दुबे साहब के साथ की, आपने सुनी, अब आपकी बारी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इन्होंने जो आकलन किए 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस पर आप अपनी सोच बिल्कुल रख सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप जरूर उस पर लिख के बताइए। और खबर अगर ये बातचीत ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगता है, दुबे साहब जो कहते हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इसकी जो लिंक है उसको हो सके उतने जगह पे आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हमारा जो चैनल है 4PM तो है ही है, साथ में बहुत सारे और भी चैनल है, आप जाइए वहां पे उनको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सही और सच्ची खबरें जो है वो मिलती रहेगी, एनालिसिस और आकलन जो है वो भी सही और सटीक मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच।